नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। शादी का सपना तो हर नौजवान देखता है, ऐसा ही सपना संतोष ने भी देखा और उसका ये सपना पूरा भी हो गया। अपने सपने को पूरा करने के लिए संतोष ने बकायदा 1,00,000 रुपए भी चुकाए, वो भी शादी करवाने वाले बिचौलियों को, जिन्होंने संतोष के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। देखिए शादी के इस वीडियो को, संतोष कितना खुश नजर आ रहा है और संतोष की नई नवेली दुल्हन कितना शर्मा रही है। मासूम सी दिखने वाली दुल्हन के साथ संतोष ने सेल्फी भी ली ताकि शादी की ये फोटो जिंदगी भर इन दोनों की यादों में रहे। लेकिन अब संतोष इसी फोटो को देखकर उस वक्त को कोस रहा है जब उसने इस लड़की के साथ साथ फेरे लिए थे। वृंदावन के गौशाला नगर इलाके में रहने वाले संतोष के साथ ऐसा आखिर क्या हुआ कि वो शादी के नाम से ही अब डर रहा है। दरअसल संतोष ने खुशी खुशी जिस लड़की के साथ साथ फेरे लिए, वो संतोष और उसके परिवार को चकमा देकर लाखों के जेवर लेकर फरार हो गई। यानी कि जिसके साथ संतोष ने जिंदगी का हर पल बिताने का सपना देखा था, वो तो लुटेरी दुल्हन निकली। जानकारी के मुताबिक संतोष के पड़ोस में रहने वाले दो लोगों ने संतोष की शादी अलीगढ़ की रहने वाली युवती से कराई थी, जिसके एवज में पड़ोसियों ने 1,00,000 रुपए भी लिए थे। और शादी के बाद संतोष ने अपनी नई नवेली दुल्हन को घर भी ले आया था, लेकिन अगले ही दिन रात के अंधेरे में ये लुटेरी दुल्हन लाखों के जेवर लेकर रफू चक्कर हो गई, जिसकी जानकारी संतोष को सुबह उठने पर लगी। इसके बाद थाने पहुंचकर संतोष ने पड़ोसियों के साथ लुटेरी दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 6 महीना से हमसे बोल रहा था, हमारा माता पिता बूढ़ा है, हम कहीं शादी करा देंगे, 1,00,000 रुपया तुम हमको दे देना, हम करा देंगे शादी। तो हमसे 1,00,000 रुपया 15 तारीख को शाम 5 बजे हमसे ले लिया। और किसने लिया? बिचौलिया ने। शुभम और गोपाल हमसे लिया। शुभम और गोपाल, ये कौन थे? शुभम और गोपाल काच मंदिर के बगल में रहते हैं वो लोग जी, वृंदावन नगर के पास जी। क्या हुआ सर आगे? फिर उसके बाद वो हम लोग को शादी करा दिया, पैसा लेके वो लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद दूसरे दिन लड़की सही रही, वो हमारे घर से हमने कुछ उसको जेवर पहनाई। जेवर पहनाने के बाद वो पूरा जेवर का बैग रख लिया अपने पास में जेवर ले हुई। फिर उसके बाद बोले जेवर कहाँ है? बोले घर में ही है। तो हम लोग बोले 4 आदमी से 5 आदमी ना जाने, जेवर घर में ही मिल जाएगा, पटना जाने का तो बदनामी होगी हम लोगों का। लड़की भी बोली, हम लोग भी बोले चलो भाई, नया नया आई हो, घर में जेवर है, मिल जाएगा। शाम को बोली खोजो, तो दोनों खोजने लगी तो बोलती है घर में ही है। फिर सुबह देखते हैं वो लड़की जेवर लेके फरार हो गई। पुलिस ने कार्रवाई कर शादी करवाने वाले बिचौलियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से लुटेरी दुल्हन अभी भी फरार है, जिसे जल्द पकड़ने का पुलिस दावा कर रही है। लेकिन इस खबर को देखने के बाद नौजवान थोड़ा सतर्क हो जाएं और सोच समझकर ही लड़की से शादी करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी लुटेरी दुल्हन का शिकार हो जाएं। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।